हेलो एवरीवन, वेलकम टू AA ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए थे कि अभी आपको क्या पढ़ना है, आपको क्लास टेंथ का यहाँ पे द्विघात समीकरण का 4.2 प्रश्नावली पढ़ना है जी। और ये क्लास टेंथ के लिए है जो कि NCERT मैथ से है। अगर आपके पास NCERT मैथ है तो 4.2 निकाल सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा वल्टा लिख दिया हूँ। और अगर किताब नई भी है तो आप नेट से भी किताब डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फिलहाल यहाँ पे मैं ये सवाल को हल करने वाला हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन नंबर वन में 5 सवाल दिए हुए हैं, तो 5 सवाल को हल करेंगे। तो वक्त थोड़ा सा लगेगा, 15-20 मिनट, तो पूरा वीडियो देखिए, मजा आएगा। अगर आपको पूरा सीखना है वन बाय वन, तो मैं आपकी ही रिकमेंड पे, आपके ही सिफारिश पे, आपने लोग बोले थे, आप ही सब बताए थे कि सर प्रश्नावली मतलब सारा कुछ कराइए, सब्जेक्टिव भी, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ टाइम निकाल करके। तो आप लोग भी टाइम निकाल करके इसको देखिए। ओके, देखिए सवाल क्या बोलता है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल निकालना है। क्या निकालना है? मूल। तो गुणनखंड तो आप पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे, है ना, 8वां भी आई थिंक पढ़े होंगे, गुणनखंड विधि कैसे बनाना है। तो ये देखिए सवाल क्या आपको दिया हुआ है, हाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, गुणनखंड विधि जो नहीं जानते फिलहाल अभी यहाँ पे तुरंत सीख जाइएगा। ये जो आपका जो ये देखिए हमारा a दिया हुआ है, x स्क्वायर मतलब a दिया हुआ है, ये 3 b दिया हुआ है, ये 10 c दिया हुआ है, ठीक है। तो जो इधर वाला a और c को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो a में कितना संख्या है, कुछ नहीं तो 1 है। x स्क्वायर में कितना गुना है, a है, तो a के क्या है यहाँ पे 1 है। x स्क्वायर किससे गुना हो रहा है, बोलेंगे सर 1 से गुना हो रहा है। चलिए 1 को कितना से गुना करेंगे, माइनस प्लस नहीं देखना, सिर्फ 10 देखेंगे, ठीक है, 10 से। तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि जो शुरू में जो रहेगा और जो लास्ट में, इस फॉन्ट में होना चाहिए लेकिन, स्क्वायर यानी कि द्विघात समीकरण होना चाहिए, द्विघात रहेगा तभी बनाएंगे, द्विघात रहेगा तभी गुणनखंड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे द्विघात है यहाँ पे, है ना, तो एक्स स्क्वायर का जिसका गुणांक है उसको और जो सी है वो दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 रहता, 2 को 10 से गुना करते हैं, 10 गुना 20 होता है, यहाँ पे 1 है छुपा हुआ, तो 10 से कम 10। अब ये 10 जो आया है, अब 10 को ऐसा तोड़ना है कि देखिए क्या करेंगे, 10 को क्या क्या तोड़ सकते हैं, 2 × 5, 2 × 5 = 10 होता है, और कुछ होता है 10 का पहाड़ा जो होता है जो नहीं तो यहाँ पे देखा जाए 2 × 5 = 10 ही होता है, या 5 × 10, बात तो बराबर है। अब जो 5 और 2 जो टूटा है, अब ये दोनों क्या अगर जोड़ते हैं तो क्या है, -3 आता है, बोलेंगे सर नहीं आएगा, तो घटा देंगे, तो यानी कि जोड़ के या घटा करके हमको क्या लाना है, -3 लाना है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। बस इसी को यहाँ पे लिखना है, देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, अब हमको क्या लाना है, -3 लाना है। तो जाहिर से बात, जो बड़ा वाला रहेगा क्या रहेगा, बड़ा वाला रहेगा माइनस में और छोटा वाला रहेगा प्लस में, तब तो 5x में से 2x घटा देंगे तो क्या होगा, 3x बचेगा। और ये 5 2 कहाँ से आया, ये गुना 10 का गुणनखंड आया, 10 का जो फैक्टर आया वो आया, ठीक है। तब 5 × 10 हुआ, देखिए 5 × 10 ये भी आना चाहिए, 5 × 10 ये जो गुना हुआ ना ये मिलना चाहिए, और ये -10 हमारा यहाँ पर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 2 करके कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक्स मिल रहा है, एक्स निकल गया बाहर, और यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स तो निकला बाहर, तो एक एक्स यहाँ पे बच रहा जी, और यहाँ पे तो एक्स बाहर निकल चुका है, तो क्या बचा, यहाँ पे 5 बच गया, प्लस में लिख देंगे। ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा, कॉमन बोले तो HCF, तो 2 2 निकल जाएगा, HCF 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स बचेगा, और प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस यहाँ पे गुणन करना है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 × 5 = 10, 10 में से 2 निकल गया गुना में, तो ऐसा नहीं समझना 10 में से 2 निकल तो 8 बचेगा, गुना में निकला, ठीक है। तो 2 × 5 = 10, जब इसको हल करेंगे तो यही आने वाला, 2 × 5 = 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब ये जब कर लेंगे तो देखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो है ना दोनों सेम आएगा, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस में सेम, अगर सेम आया तो समझ लीजिए कि हाँ हम जो बनाए वो सही बनाए। अब क्या करेंगे, 5x − 5 × x − 5 एक लिख लेंगे, ठीक है, 2 है ना यहाँ पे, तो एक यहाँ पे लिखता उधार लेते हैं, उसके बाद फिर जो एक से ये जो बाहर है, आइए प्लस 2 जो बाहर है इसको भी उतारते हैं अलग से, एक से प्लस 2 ये लिख लिए। इसको लिखने के बाद दोनों का अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे, एक से -5 = 0, तो एक से बराबर क्या होगा, 5 को दाएं तरफ भेजेंगे तो +5 हो जाएगा, और फिर एक से +5 = x + 2 = 0 है ना, x + 2 = 0, तो x बराबर क्या होगा, 2 प्लस में जाकर बनेगा -2, तो हमारा यही मूल आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं मूल बराबर 5 और -2, आंसर हो जाएगा। ओके, मूल बराबर क्या हो जाएगा, 5 और -2। तो कितना ईजी सा ये सवाल है, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये भी समझ नहीं आया तो आप आइए सेकंड सवाल वो देखते हैं। तो ये तो ईजी था मेरे ख्याल से, तो समझ में आ ही गया, और नीचे कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ओके, देखता हूँ सवाल नंबर 3 क्या बोलता है। ओके, तो सवाल नंबर 2 यहाँ पे देखिए, पहला का ये यहाँ पे दिया हुआ जी कि 2x²
क्या लिखा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, ये दिया हुआ है बराबर जीरो। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 6 को 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 6 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा, 6 गुना 2 बराबर क्या होगा, 12 हो जाएगा। अब 12 को फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे, कौन कौन पहाड़ा में 12 आता है, तो आपको पता है 2 छक 12 होता है, और 6 दुना 12 भी होता है, और फिर क्या होता है, 4 तीया 12 होता है, और 3 चक 12 होता है। अब पहले ये देख रहे हैं, 6 2 वाला देखते हैं, 6 में से 2 जोड़ते हैं तो क्या, ये मतलब एक्स के मतलब क्या होगा, 1, एक्स के मतलब क्या होगा, 1, 6 में से 2 जोड़ेंगे 1 आएगा, नहीं आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 1 तो नहीं आ रहा, ये देखते हैं। देखिए 4 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 7, 1 हमको लाना है। अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, जी 1 हो जाएगा। तो यही तीन, यही दोनों हमारा फैक्टर उठाना है, 4 और 3 का फैक्टर उठाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं, 2x स्क्वायर लिख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए जो हमको लाना है वो किस में लाना है, प्लस में, तो जाहिर से बात बड़ा वाला क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, और छोटा वाला रहेगा माइनस में, तब तो 4x में से 3x घटेगा तो हमारा प्लस वाला x बचेगा क्योंकि बड़ा है। इससे पहले क्या था, माइनस था, तो हम बड़ा वाला माइनस लिए थे, छोटा वाला प्लस लिए थे, घटा के ला रहे थे माइनस में, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ प्लस में, तो इसलिए बड़ा वाला प्लस लेंगे, छोटा वाला माइनस लेंगे, और ये जैसे माइनस 6 रहेगा वैसे वहाँ पर लिख देंगे। अब ये दोनों और ये दोनों कॉमन लेंगे, है ना, तो इसमें क्या मिल रहा है, देखिए 2 तो है ही है, 2 2 4 2 भी मिल जाएगा, एक से यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1x है, तो 2x यहाँ पे क्या होगा, कॉमन हो गया, तो 2x कॉमन हो गया, तो x स्क्वायर यहाँ पे है ना, x निकला तो 1x यहाँ पे बचेगा। अच्छा 2 2 4 2 2 4 x तो निकल गया बाहर, तो 2 2 4 2 बचा, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो गया, यहाँ पे समझना अच्छा से, ठीक है, माइनस निकाला है, और 3 यहाँ पे मिल रहा है, 3 निकली बाहर, तो क्या बचा, एक से बचा, क्या बचा हमारा, एक से बचा। और देखिए हमको लाना क्या, माइनस लाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख दे, प्लस लिखे कि माइनस लिखे, देखिए माइनस 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 माइनस, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 3 2 6 क्या लिखेंगे, 3 2 6। देखिए जब इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे, देखिए 3 को एक्स करेंगे तो 3x होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 6 समझे। तो यहाँ पे देखना, जब माइनस निकल गया तो अब यहाँ पे प्लस लिखना है, ऐसे नहीं कि माइनस लिखना है। अब फिर देखिए x प्लस 2 मिल गया बीच में अंदर में, तो x प्लस 2 को बाहर निकाल लें, एक छो अलग कर लिए, और 2x माइनस 3 है ना, तो 2x माइनस 3 जो है, ये जो बाहर 2x माइनस 3 है, इसको अलग कर लिए। अब आपको पता है कैसे करते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या होगा, 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, एक ये हो गया। फिर 2x माइनस 3 बराबर 0, तो पहले 3 को उधर भेजते हैं, तो प्लस 3 जग माइनस 3 की जग क्या बनेगा, प्लस 3 बनेगा, x बराबर क्या बनेगा, 3/2 बन जाएगा। तो देख रहे हैं मूल हमारा क्या आया, एक माइनस 2 आया, एक 3/2 आया, यही दोनों हमारा मूल आया, एक माइनस 2 आया, 3/2 आया, है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा इजी से, ओके, इसके बाद भी नहीं समझ में आए होंगे तो नीचे टेलीग्राम पे जरूर हमको बोलेंगे कि सर समझ नहीं आया, तो मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने के लिए वहां पे भी, ठीक है। आइए सवाल नंबर 3 की ओर देखते हैं, 3 सवाल क्या बोलता है, ओके, तो अब आइए सवाल नंबर 3, ये देखिए सवाल 3 भी इंटरेस्टेड है, देखने में तो लग रहा बड़ा खतरनाक है, लेकिन कुछ है नहीं, इजी से सवाल है, ठीक है। √2x² + 7x + 5√2, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो मैं बताया था शुरू वाला आखिर से क्या करना, गुना करना, √2 को 5√2 से गुना करेंगे, √2 को 5√2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। आपको पता है √2 को √2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2 होगा, √2 को √2 से गुना करते क्या होता है, 2 होता कि नहीं होता है, जितना भी √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होगा, √4 को √4 से गुना करेंगे 4 होगा, तो √2 को √2 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 हो गया 5, 5 दुना कितना आया, 10 आया। अब 10 को तोड़ते हैं तो 10 तो हमारा 2 फैक्टर होता है, 5 दुना 10, या तो 10 एकम 10, है ना, ये होता है। तो 10 में से 1 जोड़ेंगे तो क्या ये 7 आ जाएगा, 7 आएगा, नहीं आएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो भी 7 नहीं आएगा, हाँ 5 और 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा, तो यानी कि 5 2 वाला फैक्टर हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए तो बाकी ये सब तो ऐसे ही रह जाएगा, √2x² यहाँ पे हल लिख लेते हैं ना, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, 5 2, आधे की दोनों प्लस में लाना हमको क्या, प्लस में, तो दोनों को क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, घटाना उटाना नहीं, हमको लाना क्या है, प्लस में, तो दोनों 2x भी प्लस में, 5x भी प्लस में, और ये 5√2 तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों और ये दोनों हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, है ना, क्या लेंगे, कॉमन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ क्या करना है, कॉमन देखिए कैसे लेंगे, यहाँ जो मिल रहा आपको x तो पता चल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे √2 है और यहाँ क्या है, 2 है, ये 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये जो दो है इसको रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो दो है ये रूट टू इंटू रूट टू है, तो रूट टू मिल गया। यहाँ पे रूट टू के बार है, दो बार है, यहाँ पे रूट टू एक बार है, तो एक रूट टू क्या निकाल लेते कॉमन, और एक से तो स्क्वायर यहाँ पे मिल ही रहा है एक, तो निकाल लेते बाहर। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे एक से बचा। अच्छा यहाँ पे रूट टू दो बार था ना, दो बार था तो एक तो निकल गया, तो अब क्या बचा, एक बार बचा रूट टू को। देखिए अब जब इसको हल करेंगे, रूट टू को एक से स्क्वायर से गुणा करेंगे तो रूट टू स्क्वायर हो जाएगा, और रूट टू को रूट टू से गुणा करें क्या होगा, दो हो जाएगा, और एक से तो रहेगा ही। यहाँ देखिए पाँच मिल रहा है तो पाँच तो यहाँ निकालेंगे बाहर, एक से प्लस क्या है, जब प्लस रहे तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस, और रूट टू हमारा ऐसे रह जाएगा बराबर जीरो। ठीक है, तो ये सवाल भी थोड़ा सा कठिन टाइप का लगता है बहुत लोग को कि समझ नहीं आता है। एक्स प्लस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू है, इसको क्या करेंगे, दोनों को दोनों में से एक निकालेंगे बाहर। ठीक है, उसके बाद जो बाहर बाहर है रूट टू एक्स प्लस फाइव, रूट टू एक्स प्लस फाइव इसको कर लेंगे अलग। अब आपको पता है ये जब अलग कर लेते हैं तो कैसे करते हैं, इसको एक्स प्लस रूट टू बराबर क्या करेंगे, जीरो पहले इसको बनाएंगे है ना, और हमको मूल निकालना है तो एक से बराबर क्या होगा, माइनस रूट टू हो जाएगा। एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा यहीं पे बना लेते हैं रूट टू एक्स प्लस फाइव बराबर क्या होगा, जीरो। तो पहले फाइव को उधर ले जाते हैं, फाइव को उधर ले जाएगा तो प्लस फाइव क्या बनेगा, माइनस फाइव बनेगा, और एक से बराबर क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई रूट टू। तो यहाँ पे कितना मूल हो गया, मूल निकला कि नहीं, इसलिए मूल बराबर क्या निकला, माइनस रूट टू निकला, और फिर माइनस फाइव बाई रूट टू, ये दो आया, माइनस रूट टू आया और माइनस फाइव बाई रूट टू आया। तो ये हमारा तीसरा सवाल भी इजी से सॉल्व हो गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ आपको समझना है यहाँ पे कि रूट थ्री को रूट थ्री से भी गुना करें क्या होगा, तीन होगा, तो रूट टू को रूट टू से भी गुना करेंगे तो दो होगा। तो सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आपको नहीं समझे तो फिर से एक बार वीडियो प्ले कीजिएगा और यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। ओके आइए सवाल नंबर चौथा की ओर चलते, चौथा सवाल क्या बोलता जी। ओके तो नेक्स्ट यहाँ पे चौथा सवाल देखिए, वन का फोर भी इंटरेस्टेड सवाल है। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट, ये लिखा हुआ है ना, ये सवाल दिया हुआ है। तो 1/8 यानी कि भिन्न में दिया हुआ, तो पहले हमको भिन्न को हटाना पड़ेगा। ओके जब तक भिन्न को नहीं हटाएंगे तो ये बनना फिर मुश्किल होगा। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे एलसीएम दिख रहा है आपको, भिन्न का जोड़ दिख रहा है, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। एलसीएम 8 एलसीएम ले लेंगे तो 8 × 2 = 16x² होगा, माइनस 8x होगा, प्लस क्या होगा, 8 कट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा बराबर 0। तो ये एलसीएम तो लेने के लिए जानते ही होंगे आप, 8 इधर भाग मिला जाए क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो 16x² माइनस 8x + 1, अब 8 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा वाक्य द्विघात समीकरण अभी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 16 को 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। आइए यहाँ पे देखिए 16 को 1 से करते हैं गुना, तो 16 को 1 से गुना करेंगे 16 आ जाएगा। अब 16 को फैक्टर करेंगे तो एक तो 16 को 1 से गुना किए तो एक तो ये फैक्टर हो गया, एक और क्या होता है 8 × 2 = 16 भी होता है, और क्या होता है 4 × 16 होता है, ये भी होता है। तो सबसे पहले ये देखिए 16 में से एक जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 8 आता है, नहीं आता है, 16 में से एक घटाएंगे तो 8 नहीं आएगा। अच्छा 8 × 2 जोड़ेंगे 10 आएगा, तो यहाँ पे तो 8 लाना है आपको फिलहाल, है ना, ये जो है ना हमारा 8 लाना है, प्लस हो या माइनस उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आप देखिए अगर 8 में से 2 घटाते हैं तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 8 में से 2 घटाएंगे 4 ही आएगा, तो लेकिन हमारा तो 8 नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ जो 4 × 16 आ रहा है, 4 × 16 चार जोड़ देंगे क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो कैसे जोड़ेंगे, -4 और -4 जोड़ेंगे तब तो होगा -8, है ना जी, -4 - 4 जोड़ेंगे तब होगा -8। फिलहाल यहाँ पे माइनस लाना है तो हम क्या लिखेंगे, दोनों को लिखेंगे माइनस में, 16x² हो गया, -4x और -4x, समझ में आ रहा ना, -4x - 4x क्यों लिखे, क्योंकि लाना क्या हमको माइनस में लाना है, अगर बोलता प्लस में तो प्लस लिखते हैं। ठीक है, तो 4 × 16 भी आ गया, जो गुना के 4 को 1 से गुना किए ये भी मेरा यहाँ पे मैच कर रहा, 4 × 16 4 × 4 = 8 भी हो रहा है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो 4 यहाँ पे मिल रहा और 1 से भी मिल रहा है ना, तो 4 × 16 स्क्वायर है ना, एक तो निकल गया बाहर, तो एक से हमारा यहाँ पे बच गया माइनस, ये तो 4x निकल गया बाहर, क्या बचा 1 बचा। ठीक है, ये दोनों में कुछ मिल रहा तो बोले सर कुछ भी नहीं मैच कर रहा, तो कुछ नहीं मैच कर रहा तो मतलब 1 मैच कर रहा, और ये माइनस ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 1 मैच कर रहा है ना, और देखिए 4x तो फिर ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे सोच रहे सर क्या लिखे यहाँ पे, यहाँ पे तो प्लस है, तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस,
क्यों लिखें हम, देखिए माइनस वन को फोर से गुना करेंगे तो माइनस फोर एक्स हो जाएगा, माइनस वन को माइनस वन से गुना किए तो माइनस माइनस प्लस होगा वन। तो यहाँ पर जब प्लस रहे तो माइनस लिखना, अब माइनस रहे प्लस रहे, माइनस रहे तो प्लस लिखना, प्लस रहे तो माइनस लिखना, क्योंकि अब गुना करें भी चेक कर लीजिएगा कि क्या है यहाँ पे। और फिलहाल यहाँ भी देखना कि ये दोनों जो कैटेगरी जो बॉक्स में आया ये दोनों सेम आना चाहिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों में से एक निकालते हैं, फोर एक्स माइनस वन निकल गया बाहर, और यहाँ भी फोर एक्स माइनस वन ही बच रहा, फोर एक्स माइनस वन ही यहाँ पे भी बच रहा, फोर एक्स माइनस वन ही बच रहा। अब दोनों में से दोनों का अलग करते हैं, फोर एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो फोर एक्स बराबर वन इधर भेज देंगे, और एक्स बराबर क्या होगा वन बाई फोर, एक तो हमारा ये आ गया, एक्स बराबर क्या है वन बाई फोर आ गया, ठीक है। और दूसरा भी इसी तरह कर लेंगे, दूसरा तो सेम टू सेम दिया हुआ है ना, तो दूसरा भी लिख लेते हैं, फोर एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो फोर एक्स बराबर क्या होगा वन को दाएं तरफ भेजेंगे, और एक्स बराबर क्या होगा वन बाई फोर हो जाएगा। इसलिए मूल हमारा, मूल क्या निकला वन बाई फोर निकला, और वन बाई फोर मूल का मतलब वही अल्फा बीटा, जिस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे अल्फा बीटा, उसी तरह से यहाँ पे भी है, ठीक है। हाँ, तो ये जो आपका सवाल नंबर फोर क्लियर हो गया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको ये भी सवाल समझ में आ ही गया होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये अब आपका एक और सवाल बच गया है जो कि सवाल नंबर फाइव है, उसको हल करेंगे और फिर वीडियो यहाँ पे समाप्त कर देंगे। देखते हैं वो पांचवा सवाल क्या बोलता है जी। तो नेक्स्ट हमारा फाइव नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है, सौ एक्स स्क्वायर माइनस बीस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, कैसे हल करेंगे इसको। तो आपको बताए हैं सौ एक्स स्क्वायर पर लिख लेते हैं माइनस ट्वेंटी एक्स है प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है। तो पहले सौ को वन से गुना करना पड़ेगा, सौ को वन से गुना करेंगे कितना होगा, तो आपको पता है सौ को वन से गुना करेंगे क्या होगा सौ होगा। अब सौ को तोड़िए, सौ को ऐसे तोड़ना है जो हमको बीस आ जाए प्लस करके या माइनस करके, तो पहले सौ कम सौ तो हो जाता है, फिर आपको पता है बीस पचे सौ भी होता है, और क्या होता है दस दह के सौ होता है, और कोई है कोई फॉर्मूला है जो सौ होता है, पच्चीस चौक सौ होता है, पच्चीस चौक भी सौ होता है ना। तो इतना सारा फैक्टर हो गया, तो इस पहले तो ये तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि सौ में एक जोड़ेंगे तो बीस आएगा ही नहीं। चलिए अच्छा बीस पाँच में देखते हैं, बीस पाँच फैक्टर देखते हैं, बीस में से पाँच जोड़ते हैं बीस आएगा नहीं आएगा, बीस में से पाँच घटाएंगे कभी बीस नहीं आएगा, ठीक। यहाँ देखते हैं पच्चीस में से पाँच घटाएंगे कितना आएगा इक्कीस आ जाएगा ना, इक्कीस आ जाएगा, हमको लाना कितना है बीस लाना है, पच्चीस में से पाँच जोड़ेंगे तो फिर हमारा उनतीस आ जाएगा, बीस तो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं चलेगा, तो हमारा चलेगा क्या दस दहें के सौ, दस दस जोड़ेंगे क्या आएगा बीस आ जाएगा, दस दस जोड़ेंगे तो बीस हमारा आ जाएगा। तो बस इसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ लिख देना है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो सौ एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, यहाँ जो लिखेंगे दस एक्स और दस एक्स दोनों लिखेंगे माइनस में, क्यों, क्योंकि लाना किस में हमको है माइनस में लाना है, तो दस एक्स दस एक्स लिख दिए, और ये प्लस वन हमारा ऐसे रहेगा बराबर जीरो। अब ये दोनों में और ये दोनों में क्या करना है हमको फैक्ट एक कॉमन लेना है, तो 10 तो मिल ही रहा है, 10 दें सौ भी होता है 10 मिल रहा है, एक्स भी मिल रहा है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 एक्स मिल गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 10 दहें के सौ, तो 10 तो बच गया, और एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स निकला तो एक एक्स हमारा बच जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लिखते हैं, 10x तो पूरा 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 बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा, तो हमारा क्या बचा 1 बचेगा। यहाँ देखिए ये दोनों कुछ मैच हो रहा, कुछ कॉमन हो रहा, बोलेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, क्या कॉमन हो रहा, तो वन तो मिल ही रहा होगा, कुछ नहीं तो वन तो मिल रहा होगा, अब बचा क्या यहाँ पे 10x बच गया। अब देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ पे माइनस लिखेंगे तब जाके गुना कर, देखिए माइनस को माइनस वन को 10x से गुना करेंगे तो माइनस 10x होगा, अब माइनस वन को माइनस वन से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस वन, देखते ये भी आना चाहिए, जब हम रिवर्स हों बैक हों तो वो आंसर भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि यानी कि जो तो लिख देंगे, तो फैक्ट भी होना चाहिए कि हम जो आगे लिख रहे हैं ना, जो हम आगे बना रहे हैं पीछे अगर बैक जाए तो हमारा वो भी आंसर आना चाहिए। कहने का मतलब कि चार को तोड़ें दो प्लस दो, तो इसको तोड़ तो दिए चार प्लस चार को दो प्लस दो, लेकिन दो प्लस दो को जोड़ के देखते चार होता है कि नहीं होता। आपको चार को तोड़ दिया दो प्लस तीन, तो कभी ऐसा नहीं होगा, तोड़ तो दिया लेकिन चार तीन पाँच होता है, तो आंसर हमारा समझ में नहीं आ रहा कि ये गलत हो रहा, यही से पता चलेगा कि गलत हो रहा। दूसरा बात यहाँ पे है कि 10x माइनस 1 10x माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आना चाहिए, सेम माइनस में तो माइनस में, जैसे सेम है उसी रहना है, 10x प्लस में 10x प्लस में 1 माइनस में 1 माइनस में। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को हम लिख लेंगे अलग से, ठीक है, लिख लिए, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी कि 10x और माइनस 1 इसको भी क्या करेंगे अलग से लिख लेंगे, समझ गए। अब क्या करेंगे जी, दोनों को अलग अलग कर देंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो बोलिए 10x बराबर 1 दाएं तरफ जाके क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या होगा 1/10 हो जाएगा। एक तो ये हमारा आ गया, तो एक हमारा आ गया इस तरह से, और दूसरा भी इसी तरह से करेंगे, और दूसरा आपको पता है दूसरा भी सेम टू सेम है,
वन बराबर जीरो, तो दस एक्स बराबर क्या होगा वन, दाएं तरफ जाएगा प्लस में, एक्स बराबर जाएगा वन बाई टेन। तो यहाँ पे वन बाई टेन वन बाई टेन दोनों सेम आ गया है ना, तो यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए मूल बराबर, मूल बराबर क्या हो जाएगा वन बाई टेन और वन बाई टेन, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर वन का पांच सवाल कंप्लीट हो गया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप जो है ना टेलीग्राम, टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ पर सर्च कीजिए ए ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ये सर्च करेंगे तो एक ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन होइए। वहाँ पे 500 ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, है ना। वहाँ से मेरे पास पर्सनली मैसेज करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा आंसर देने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे इस वीडियो के यहाँ पे लास्ट करते हैं और फिर आपका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो ज़रूर देखिएगा। और इसके पहले जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप नीचे वीडियो का लिंक जहाँ पे लिखा हुआ है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है आपका NCERT क्लास 10th मैथ जहाँ पे लिख रहा वहाँ पे टच कीजिएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक खुलेगा, वहाँ पे पूरा लिख दिया हुआ है, तो खोलेंगे तो आप वहाँ पे जा करके भी देख सकते हैं। ओके, तो मज़ा आया वीडियो तो लाइक वाइक कर देना, है ना, लाइक कर देना। और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज मैं यहाँ पे 7 बजे सुबह, 9 बजे सुबह, 7 बजे शाम को और 3 बजे दिन में, ये 4 टाइम आपको क्लास लाता हूँ। तो सभी लोग यहाँ पे आते हैं लैब में और देखते हैं, आपका आंसर देते हैं, तो मज़ा आता है ना। तो ज़रूर नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा प्रेस करके, ताकि आपके पास मैसेज आता रहे। ऐसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर देता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। That's all. Thank you, everyone.